भैया मुझे 30,000 के अंदर एक फ़ोन लेना है, मगर ये 30,000 के अंदर जो मैं फ़ोन लेने वाला हूँ वो मैं अभी देख रहा था कि मोटो एज 50 जो नया निकलने वाला है और रियलमी 13 प्रो, तो इन दोनों फ़ोन में से मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ कौन सा फ़ोन इसमें से बढ़िया है। रियलमी का पीछे का डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट मोटो एज 50 में सब बता रहे हैं कि उसमें आपको वाटर प्रूफ मिल रहा है, IP68 मिल रहा है, तो कौन सा फ़ोन इसमें से ले, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है भैया, आप ही बताओ ना इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लूँ जो कि मुझे वैल्यू फॉर मनी मिले और मुझे मेरे पैसा जो है बर्बाद ना हो। तो देखो तुम्हें 30,000 के अंदर फोन लेना है तो यहाँ पे ये वीडियो तुम्हारे लिए बना हुआ है और आप लोग के लिए बना हुआ है। अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो इसका तरह कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी है और आपका पैसा जो है गलत फोन ना ले लो आप अपने पैसे से 30,000 स्पेंड करके, तो यहाँ पे ये वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पे मैं आप लोग को सारा चीज बताने वाला हूँ और कंपेरिजन दिखाने वाला हूँ मोटो एज 50 वर्सेज रियलमी 13 प्रो का। तुम भी ये वीडियो देख लेना, तुम्हारा भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और सही चीज परचेस कर पाओगे। और भाई आप लोग भी ये वीडियो देख लेना, आप लोगों को भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि इन दोनों फोन में से वैल्यू फॉर मनी फोन कौन सा है, मोटो एज 50 लोगे या रियलमी 13 प्रो लोगे। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और दोनों का कंपैरिजन करके आप लोगों को कंक्लूजन बताते हैं कि दोनों फोन में से कौन सा फोन बढ़िया है। देखो काफी लोग के मन में ये कंफ्यूजन है कि मोटो एज 50 लें या रियलमी 13 प्रो लें। अब ये दोनों की प्राइस है वो लगभग 27,000 के अंदर आने वाली है, तो दोनों की प्राइस जो है वो सेम है। अब यहाँ पे दोनों में काफी सारे डिफरेंस देखने को मिलता है, वो सारा चीज मैं आप लोग को बताऊंगा ही और लास्ट में यहाँ पे कंक्लूजन बताऊंगा कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। और जो पैसे आप खर्च कर रहे हो 27,000, 28,000, 30,000 जो भी आप पैसे खर्च कर रहे हो उसमें आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कौन सा है कि आप जब फोन लो तो भाई आराम से उसको यूज कर पाओ और कोई आपको बाद में ऐसा अफसोस ना हो, रिग्रेट फील ना हो कि भाई ये पैसे इसमें मैंने लगा दिए और अब मजा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पूरा वीडियो ध्यान से देखना और यहाँ पे मैं शुरुआत करूंगा डिजाइन से और लास्ट में जाऊंगा कंक्लूजन की तरफ कि कौन सा फोन दोनों में से अच्छा है। अब देखो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात की है तो ये भाई साहब जैसे बोले कि डिजाइन को रियलमी 13 प्रो का अच्छा लग रहा है, तो पीछे जो डिजाइन है रियलमी 13 प्रो का अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा अंदर चलते हैं डिजाइन के अंदर और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे रियलमी 13 प्रो में 8.4 mm की आपको थिकनेस देखने को मिल जाती है, यानी जो पतला है वो 8.4 mm की थिकनेस है। 188 ग्राम का इसका वेट है रियलमी 13 प्रो का और यहाँ पे IP65 का रेटिंग देखने को मिलता है जो कि डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट है, तो ये पूरी तरह से वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। अब वहीं पे बात की जाए मोटो एज 50 के बारे में तो यहां पे आप लोगों को 7.9 इंच की थिकनेस देखने को मिलती है जो कि इससे काफी ज्यादा तो है पतला है रियलमी 13 प्रो से। और यहां पे आप लोग को IP68 का रेटिंग देखने को मिलता है यानी कि ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। यहां पे आप लोग को मोटो एज 50 में जो है एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ पीछे पॉलीमर का बैक मिलेगा और उसके साथ एक वेरिएंट और है जिसमें आपको इको लेदर का बैक देखने को मिलता है। यहाँ पे मोटो क्लेम किया है कि यहाँ पे कुछ STH 810H करके कुछ कंप्लायंट है जहां पे आपको रगनेस जो है वो ज्यादा मिलती है, मतलब कि अगर फोन गिरे उड़ेगा तो आपकी जो है वहां पे प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगी मोटो एज 50 में। अब देखो डिजाइन की बात किया है तो दोनों की डिजाइन अपने जगह पे अच्छी है। मोटो का डिजाइन जो है वो सिंपल, जैसे कि आप मोटो एज 50 लोगे तो कोई किसी को लगेगा मोटो एज 50 फ्यूजन है, किसी को लगेगा मोटो एज 50 प्रो है, तो डिजाइन लगभग सेम ही आप लोगों को देखने को मिलता है पीछे में मोटो एज 50 में। बट यहाँ पे जो क्वालिटी है जहां पे आपको एल्युमिनियम फ्रेम मिल रहा है, इको लेदर बैक मिल रहा है, तो ये सब एक IP68 का रेटिंग देखने को मिल जा रहा है जो कि आप 1.5 मीटर पानी के अंदर आधा घंटा तक डुबो कर रख सकते हो, फोन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा कंपनी क्लेम किया है। तो ये सब एडवांटेज आप लोग को मोटो एज 50 में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से भाई डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी मोटो एज 50 को ही जाता है, मोटो एज 50 का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी रियलमी 13 प्रो से ज्यादा अच्छा है। चलो बात करते हैं दोनों का डिस्प्ले का बारे में, तो यहाँ पे दोनों में आप लोग को 6.7 इंच की जो है डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोनों में आप लोग को जो है एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, मोटो इसका नाम दिया है POLED, बेसिकली ये एमोलेड ही है और रियलमी 13 प्रो जो है ये एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है। बट यहाँ पे एक चीज है कि रियलमी 13 प्रो में आप लोग को फुल एच डी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहीं पे बात किया जाए मोटो एज 50 में तो यहाँ पे 1.5K आप लोग को रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि ये फुल एच डी भी नहीं है और क्वाड एच डी भी नहीं है, बीच का है। तो 1.5K रेजोल्यूशन एक अच्छा स्पॉट है क्रिस्पी क्लियर होने का और यही एक एडवांटेज है मोटो एज 50 में, क्योंकि यहाँ पे आपको पिक्सल डेंसिटी की बात किया जाए 446 का PPI देखने को मिलता है मोटो एज 50 में। वहीं पे बात किया जाए क्योंकि यहाँ पे आप लोग को फुल एच डी प्लस है तो रियलमी 13 प्रो में आप लोग को 394 का PPI देखने को मिलता है। दोनों में के रेजोल्यूशन में ज्यादा शार्प डिस्प्ले आप लोग को मोटो एज 50 में मिलता है। अब यहाँ पे दोनों में आप लोग को 120Hz का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, HDR की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अगर बात किया जाए कर्व डिस्प्ले का तो बेजल के बारे में बात किया है तो बेजल भी आपको ज्यादा पतला देखने को
मिलेगा लगभग ना के बराबर देखने को मिलेगा मोटो एज 50 में, क्योंकि यहाँ पे 92.2 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है। और वहीं पे बात किया जाए रियलमी 13 प्रो का, तो यहाँ पे आप लोग को जो है 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है। बट दोनों में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि ठीक ठाक है। मोटो एज 50 का कर्व डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगता है रियलमी के कर्व डिस्प्ले से, तो ये एक थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। अब बात किया जाए दोनों की पीक ब्राइटनेस का, तो मोटो एज 50 आप लोग 1600 पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। वहीं पर बात किया जाए रियलमी 13 प्रो का, तो यहाँ पे 2000 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों का डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं तो रियलमी 13 प्रो में आप लोग को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का 7HI का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। वहीं पर बात किया जाए यहाँ पे मोटो एज 50 का, तो यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो दोनों की प्रोटेक्शन भी काफी अच्छी है। और अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात किया जाए डिस्प्ले में, तो यहाँ पे मोटो एज 50 क्लियर विनर है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात है इसकी जो कर्व डिस्प्ले है वो ज्यादा प्रीमियम लग रही है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप मूवीज वगैरह देखोगे, HDR कंटेंट वगैरह देखोगे, तो आप लोग को दोनों में अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे कलर वगैरह अगर देखोगे, कॉन्ट्रास्ट वगैरह देखोगे, और थोड़ा सा आप लोग को बेजल जो है कम देखने को मिलेगा मोटो एज 50 में, तो यहाँ पे आप लोग को एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा रियलमी 13 प्रो से। हालांकि दोनों कट डिस्प्ले है तो दोनों को कंपेयर करना थोड़ा सा ईजी नहीं है, बट हाँ स्लाइटली बेटर आप लोग को डिस्प्ले देखने को मिल रहा है मोटो एज 50 में, क्योंकि उसकी पिक्सल डेंसिटी हाई है और कर्व जो है वहां पे थोड़ा सा आप लोग को प्रीमियम देखने को मिल जाता है मोटो एज 50 में। चलते हैं परफॉर्मेंस और OS की तरफ। तो रियलमी 13 प्रो में आप लोग को एंड्रॉइड 14 के साथ ये आएगा, और यहाँ पे आप लोग को रियलमी UI 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए मोटो एज 50 में, तो ये जो है ये भी एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा, और इसका जो हेलो UI ये वो आता है। यहाँ पे मोटो वालों ने कहा है कि 2 ईयर्स आप लोग को मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल जाएगा और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। बात करें दोनों का चिपसेट का, तो रियलमी 13 प्रो में 7S Gen 2 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन का 4 नैनोमीटर पे बना हुआ चिपसेट है। और यहाँ पे आप लोग को जो है 8GB रैम, 12GB रैम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ 128GB, 256GB और 512GB का स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का यूज किया गया है, और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट इसमें नहीं है, तो माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा पाओगे। तो बात किया जाए मोटो एज 50 का, तो यहाँ पे आप लोग को मिलता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 का चिपसेट, और ये AE चिपसेट है। यहाँ पे बेसिकली मोटो ने कहा है कि ये चिपसेट को जो है कस्टमाइज किया गया है, और ये आप लोग को जो है नॉर्मल जेन 1 से जो है 20% ज्यादा आप लोग को बूस्ट करेगा परफॉर्मेंस में। तो उसी के साथ आप लोग को एक ही वेरिएंट देखने को यहाँ मिलेगा, 256GB का इंटरनल स्टोरेज और 8GB का रैम। यहाँ पे भी कार्ड स्लॉट नहीं है, तो आप यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते हो, बट यहाँ पे UFS स्टोरेज टाइप जो है यूज किया गया है, UFS 2.2 का। तो यहाँ पे थोड़ा सा रियलमी 13 प्रो से कंपेयर करोगे तो आप लोग को स्लो स्टोरेज टाइप देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे अगर दोनों का अंतुतु स्कोर देखा जाए, तो दोनों का अंतुतु स्कोर में आप लोग को खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। रियलमी में आप लोग को 6.5 लाख का जो है अंतुतु स्कोर देखने को मिलेगा, वहीं पर अगर बात की जाए मोटो एज 50 का, तो यहाँ पे आप लोग को जो है 6 लाख के अंदर जो है आप लोग को स्कोर देखने को मिल रहा है। अब अगर बात किया जाए दोनों का गेमिंग का, कि गेमिंग के लिए दोनों में से कौन सा फोन ले, तो देखो पहली बात यह है कि मोटो एज 50 में आप लोग को UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल रहा है, वहीं पे बात किया जाए रियलमी 13 प्रो में, तो यहाँ पे आप लोग UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है स्पीड जो है वो मोटो से थोड़ा सा ज्यादा है रियलमी 13 प्रो में, ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि रियलमी का चिपसेट जो है वो थोड़ा सा बेटर है मोटो एज के चिपसेट से, बट थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस आप लोग को लगभग समझ लो 5% बेटर एक्सपीरियंस आप लोग को रियलमी मिलेगा, अगर आप BGMI वगैरह खेलते हो या कोई भी गेमिंग करते हो तो। बट ऐसा कोई जमीन आसमान का डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, और डे टू डे टास्क दोनों में ही सेम चलेगा। अगर आप लोग अपने फोन से करते हो तो दोनों में ही फोन में आप लोग को लैग देखने को नहीं मिलेगा, दोनों फोन में आप लोग डे टू डे टास्क जो भी आप ऐप यूज करते हो सारा चीज दोनों फोन में बड़े आराम से यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो कैमरे के बारे में बात किया है, तो कैमरे में तो काफी अपने अपने लोग फोन कंपनी बता रहे हैं कि भाई कैमरा मेरा अच्छा है, कैमरा मेरा अच्छा है, काफी चीज बता रहे हैं। बट एक्चुअल में अगर कैमरे के बारे में बात किया जाए तो पता करते हैं कैमरा किसका अच्छा है। तो देखो यहाँ पे रियलमी 13 प्रो में आप लोग को बेसिकली 3 लेंस पीछे देखने को मिलता है, और एक फ्लैश मिलता है, और सामने में एक लेंस देखने को मिलता है। जो पीछे 3 लेंस है उसमें से जो मेन लेंस है वो 50 MP का LYT 701 का, सोनी का LYT 701 का लेंस देखने को मिलता है, जो कि OIS फीचर को सपोर्ट करता है। दूसरा जो लेंस है वो आप लोग को 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है रियलमी 13 प्रो में, और तीसरा जो लेंस है वो 2 MP का मैक्रो लेंस है। यहाँ पे आप लोग जो है 2 MP का बेसिकली उससे ठीक ठाक मैक्रो उतना आता भी नहीं है, तो एक नाम का लेंस दे दिया गया है 2 MP का, जिससे आप मैक्रो शॉट ले सकते हो। वहीं पर बात किया जाए मोटो एज 50 में, तो यहाँ पे आप लोग को 3 लेंस देखने को मिलता है, बट ये तीनों लेंस काम का है। पहला जो लेंस देखने को मिलता है वो 50 MP का लेंस देखने को मिलता है, जो
मेन लेंस है। दूसरी जो लेंस देखने को मिलती है वो 10 मेगापिक्सल के आप लोग को टेलीफोटो लेंस देखने को मिलते हैं, जिसमें आप ऑप्टिकल जूम 3x तक यहाँ पे सपोर्ट करता है इस 10 मेगापिक्सल का लेंस से। यहाँ पे तीसरा जो लेंस है वो 13 मेगापिक्सल का आप लोग को देखने को मिलता है, जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस है। तो यहाँ पे आप लोग को टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है मोटो H50 में, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है रियलमी 13 प्रो के कंपेयर से, जहां पे आप लोग को वहां पे 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर एक्चुअल बात किया जाए कैमरा क्वालिटी का और फोटो क्वालिटी का, जो ऑप्टिमाइज होकर आता है वो ज्यादा अच्छा आता है आप लोग का मोटो H50 में। पहली एडवांटेज ये है मोटो H50 में, आप लोग को 50 मेगापिक्सल की जो लेंस देखने को मिल रही है उससे काफी अच्छा क्रिस्पी क्लियर फोटो आता है। अगर दोनों को फोटो को कंपेयर करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है मोटो H50 का कैमरा का फोटो, क्योंकि यहाँ पे जो 10 मेगापिक्सल की आप लोग को टेलीफोटो लेंस मिलती है, जिसमें आपको 3x का ऑप्टिकल जूम का फैसिलिटी मिलता है, फीचर्स जो मिलता है वो काफी अच्छा यहाँ पे आउटपुट निकाल के लाता है। और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, वहीं पे बात किया जाए रियलमी 13 प्रो में तो यहाँ पे आप लोग को 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड देखने को मिलती है, और 50 मेगापिक्सल के जो रियलमी के 50 मेगापिक्सल जो फोटो आती है ये भी काफी अच्छी आती है। बट यहाँ पे स्लाइटली एडवांटेज जो है वो मैं मोटो H50 की तरफ डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को सेटअप जो है काफी अच्छा इस प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है कंपेयर टू रियलमी। दोनों फोन में आप लोग को ठीक ठाक कैमरा के फीचर्स देखने को मिल जाएगी, बट सेटअप जो है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा है मोटो H50 का कंपेयर टू रियलमी 13 प्रो, और आउटपुट जो है मोटो H50 भी काफी अच्छा निकाल के ला रहा है। यहाँ पे दोनों के सेल्फी कैमरा के बारे में बात की जाए, फ्रंट कैमरा के बात, तो दोनों में आप लोग को 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। बट यहाँ पे मैं आप लोग बताता हूँ मोटो H50 में जो आप लोग को सेंसर देखने को मिलता है 2 मेगापिक्सल का, उसमें आप लोग को HDR वीडियो सपोर्ट है फ्रंट कैमरा से, और यहाँ पे आप लोग को भाई फ्रंट कैमरा से 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट है। 30,000 के अंदर आप लोग को मोटो H50 मिलता है, उसमें आप लोग को 4K सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि भाई 50,000 के अंदर का रेंज के फोन में अभी ये 4K सपोर्ट आ रहा है फ्रंट कैमरा में, वरना 30,000 के अंदर का रेंज में काफी कम फोन ऐसे है जिसमें आपको 4K का सपोर्ट मिलेगा फ्रंट कैमरा से, तो ये काफी अच्छी बात है। और रियलमी 13 प्रो के फ्रंट कैमरा से आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो 1080p 30fps तक ये लॉक है, और 4K रिकॉर्डिंग आप रियलमी 13 प्रो के कैमरा से नहीं कर सकते हो फ्रंट कैमरा से। तो ये दोनों में सबसे ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप लोग ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, अगर आप लोग वीडियो शूट वगैरह करते हो फ्रंट कैमरा को यूज करके, तो आप लोग को ये ज्यादा डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है मोटो H50 में। दोनों का स्पीकर के बारे में बोलूं तो दोनों का स्पीकर काफी अच्छी है, दोनों में आप लोग को स्टीरियो सेपरेशन देखने को मिल जाता है, दोनों में आप लोग को 3.5mm का गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा, दोनों में आप लोग को सेम वाईफाई देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.2 का दोनों में आप लोग को सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे बात किया जाए लॉक अनलॉकिंग का, तो दोनों में आप लोग को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, और दोनों के फिंगरप्रिंट सेंसर जो है बड़े अच्छे काम करती है, तो इसमें आप लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों का फिंगरप्रिंट सेंसर काफी स्मूथली वर्क करता है। अब यहाँ पे दोनों का बैटरी डिपार्टमेंट में चलें तो देखो यहाँ पे मोटो H50 में आप लोग को 5200mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ 45 वाट का यहाँ पे आपको एडाप्टर देखने को मिल जाता है, और मोटो ऐसा क्लेम करता है कि 50% चार्ज जो है ये 27 मिनट में कर देगा। यहाँ पे अगर बात की जाए रियलमी 13 प्रो का, तो यहाँ पे आप लोग को 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और उसी के साथ 68 वाट का जो है आप लोग का एडाप्टर देखने को मिलता है। बट यहाँ पे बात यह है कि बैटरी बैकअप दोनों में किसका अच्छा है, तो दोनों फोन फिलहाल, तो अभी फिलहाल बैटरी बैकअप दोनों का अच्छा दिख रहा है। और अगर प्राइस की बात करें तो दोनों की प्राइस जो है वो 27,000 अप्रॉक्स जो है होने वाली है। अब यहां पे मैं आप लोग बता देता हूं 27,000 इसकी जो बेसिक वेरिएंट है वो 27,000 अप्रॉक्स होने वाली है, और यहां पे आप लोग को जो मोटो H50 है उसकी जो है प्राइस 2000 ऊपर होने वाली है। बट अगर डिस्काउंट वगैरह लगाओगे तो आप लोग को 25-26 हजार तक रियलमी 13 प्रो मिल जाएगा। अगर मोटो H50 में भी कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाओगे तो ये भी आप लोग को 2000 वहां से कम हो जाएगा, 27 हजार तक देखने को मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा है, किसका कौन सा फोन बेटर है, वैल्यू फॉर मनी है, अगर मुझे 27,000 के अंदर लेना हो। तो देखो पहली बात यह है कि डिजाइन को लेकर बात की जाए तो रियलमी 13 प्रो का डिजाइन अच्छा है, बट यहां पे अगर क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो मोटो H50 की क्वालिटी आप लोग को ज्यादा बेटर देखने को मिल रही है रियलमी से, क्योंकि यहां पे आप लोग को मेटल अल्मोनियम फ्रेम देखने को मिल रहा है, IP68 का रेटिंग देखने को मिल रहा है मोटो H50 में। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में तो मैं यहाँ पे मोटो H50 के साथ ही जाना चाहूंगा। दूसरी चीज ये है डिस्प्ले, डिस्प्ले भी आप लोग को ज्यादा साफ देखने को मिल रही है रियलमी 13 प्रो से मोटो H50 में, तो यहाँ पे आप लोग को डिस्प्ले भी ज्यादा वहां अच्छा देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि यहाँ पे 1.5K का रेजोल्यूशन मिल रहा है, जो कि
काफी ज्यादा शार्प है Realme 13 Pro से। तो यहाँ पे डिस्प्ले भी आप लोग को अगर मैं बोलूं तो डिस्प्ले का भी एडवांटेज Moto H 50 लेकर आता है। तीसरा चीज चिपसेट है, चिपसेट थोड़ा सा आप लोग को बेटर देखने को मिल रहा है Realme 13 Pro में, बट थोड़ा सा अगर डिफरेंस अगर आप उसको मैनेज कर सकते हो तो Moto H 50 की तरफ भी जा सकते हो। अब यहाँ पे बात किया जाए कैमरा का, कैमरा तो यहाँ पे पूरा ले जाता है Moto H 50, क्योंकि यहाँ पे भाई सेटअप ही आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और उसी के साथ ऑप्टिमाइजेशन भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और आउटपुट भी काफी अच्छा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रंट कैमरा में भी Moto H 50 में यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4K और HDR का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है फ्रंट कैमरा से, ये काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे पूरा एडवांटेज जो है कैमरा सेक्शन में यहाँ पे लेके जा रहा है Moto H 50 कंपेयर टू Realme 13 Pro। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अगर आप लोग को अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो मैं यही बोलूंगा कि Moto H 50 की तरफ जाओ, क्योंकि वहां पे आप लोग को काफी अच्छा कैमरा डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल रहा है कंपेयर टू Realme 13 Pro। बट यहाँ पे अगर आप लोग को 2000 अगर आप लोग नहीं मिला सकते हो तो Realme 13 Pro की तरफ जा सकते हो, बट अगर आप लोग 2000 प्लस कर सकते हो उसमें 2000 अगर बढ़ा सकते हो अपने बजट को तो भाई डेफिनेटली Moto H 50 जो है यहाँ पे क्लियर विनर है लगभग सभी कैटेगरी में। तो आप लोग को क्या लगता है कि दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कुछ पूछना तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए आप लोग पूछ सकते हो। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जस्ट टेक केयर और अपना ख्याल रखना।